हेलो व्यूअर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चटपटे मसालेदार राई वाले आलू की रेसिपी। मैंने आपके साथ आलू की बहुत सी रेसिपी शेयर की है। आपने हमारी काठियावाड़ी लहसुन या बटाटा और हरियाली दम आलू की रेसिपी को बहुत पसंद किया, इसीलिए आप ही की डिमांड पर मैं आज आपके लिए बहुत ही आसान और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। डेली और वीकेंड स्पेशल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आलू बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। कश्मीरी लाल मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती, इसलिए हमने इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। साथ ही में ऐड कर देंगे 3/4 टेबलस्पून यानी कि 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। एक चौथाई टेबल स्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। साथ ही में ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून या फिर स्वाद अनुसार नमक। इसमें 3 से 4 टेबलस्पून जितना पानी ऐड कर देंगे और इन सारे मसालों को पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक पैन में 3 टेबलस्पून तेल अच्छे से गरम करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून राई और राई को तेल में चटकने देंगे। तो गरम तेल में राई जब चटकने लगे तब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा तैयार किया हुआ आलू का मसाला। चार से पाँच टेबल स्पून जितना पानी ऐड कर देंगे और लो फ्लेम पर इन मसालों को हम तेल में अच्छे से भून लेंगे। तो हमने सारे मसालों को 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं कि मसालों की भुनाई अच्छे से हो चुकी है और इसका तेल भी सरफेस पर आने लगा है। तो इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे और इस स्टेज पर हम इसमें बॉईल किए हुए आलू ऐड करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर 1 किलो उबले हुए आलू लिए हैं जिनको हमने इस तरह से थोड़े बड़ी साइज़ के टुकड़ों में कट कर लिया है। और इन आलू को हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि आलू पर सारा मसाला अच्छे से कोट हो जाए। क्योंकि हमने आलू को पहले से उबाल कर रखा है तो हम इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, बस मसालों के साथ हम इसे लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो इसमें आलू ऐड करने के बाद हमने इसे 2 मिनट के लिए और पका लिया। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें 2 टेबलस्पून नींबू का रस ऐड करेंगे। देखिए, आप यहाँ पर नींबू के रस की जगह अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही में थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखा आपने, सिर्फ कुछ ही मिनटों में हमने कितनी मज़ेदार और मसालेदार चटपटी आलू की सब्ज़ी बनाई। आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और रेसिपी ट्राई करने के बाद हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस कॉमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।